गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सरस्वती क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बीके सर आप लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मैंने लिया है जो न केवल यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है बल्कि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आप जाएंगे, एक या दो नंबर का अवश्य पूछता है इसमें से। और यूपी बोर्ड की तो बात है, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये चारों क्लासेस में आता है। तो इस टॉपिक का नाम है नरेशन। आते हैं, देखते हैं नरेशन। देखिए नरेशन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कोई भी शब्द होता है उस शब्द की स्पेलिंग जानना बहुत ज़रूरी होती है। कन्फ्यूज़न तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर आप कहीं भी लिखेंगे और स्पेलिंग ही गलत लिख देंगे तो ये तो बहुत गलत बात होगी। तो आइए नरेशन की स्पेलिंग देखते हैं। NARRATION नरेशन। और नरेशन का मतलब होता है कथन। क्या मतलब होता है? नरेशन का मतलब होता है कथन, और कथन का मतलब होता है कहना। आप एक चीज मैं आपको समझा दे रहा हूं, इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा कि कथन जो होता है, जो नरेशन होता है, दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से कुछ न कुछ कहता है, यही नरेशन होता है। तो सबसे पहले चलिए नरेशन की परिभाषा जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परिभाषाएं आती तो नहीं है लेकिन बाय द वे किसी ने आपसे पूछ दिया तो आपको परिभाषा तो बतानी पड़ेगी। तो चलिए नरेशन की परिभाषा देखते हैं कि व्हाट इज नरेशन। तो जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो वक्ता के द्वारा कहे हुए बातों को हम नरेशन कहते हैं। सपोज दैट, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक ये और एक ये, ये मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ये दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बोलेगा तो इसे हम कहेंगे वक्ता, यानी स्पीकर होता है, इसको हम कहेंगे स्पीकर है। और ये है श्रोता, इसको हम कहेंगे लिसनर, LISTENER। ये हो जाएगा आपका वक्ता स्पीकर और ये हो जाएगा लिसनर यानी श्रोता। देखिए कभी भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी नरेशन या कथन की बात आएगी तो दो व्यक्ति जो होंगे आपस में बातचीत करेंगे। तो एक बार और परिभाषा की तरफ चलते हैं कि जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो वक्ता के द्वारा कहे हुए बातों को हम नरेशन कहते हैं। आप ध्यान रखिए, मान लीजिए यह बोल रहे हैं और यह सुन रहे हैं, तो जब ये बोलेंगे और ये सुनेंगे बाद में ऐसा भी तो होगा कि ये भी बोलेंगे जवाब देने के लिए, मान लीजिए, या ये इनसे लगे कुछ पूछने, तब वक्ता ये हो जाएंगे और श्रोता ये हो जाएंगे। तो हमेशा इंटरचेंज होता रहता है कोई भी। अब देखिए आप सोचते होंगे कि आखिर में नरेशन का हमारे जीवन में उपयोग क्या है। तो आपको मैं बताऊं, जब हम लोग इंग्लिश स्पोकन करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो वहाँ मान लीजिए हम लोग कभी सोचते हैं या बोलते हैं कि राम ने श्याम से कहा, और मान लीजिए राम और श्याम आज के 10 दिन पहले कोई बात किए हों और आपस में बात करके कुछ कहे हों और उस बात को हम लोग आज कहेंगे तो उसको कैसे कहेंगे इंग्लिश में, इसलिए जानना नरेशन बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले एक बार और नरेशन की परिभाषा जरा ध्यान से देखिएगा कि व्हाट इज नरेशन। वक्ता
और श्रोता, दो चीज ध्यान रखिएगा कि जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो वक्ता के द्वारा कहे हुए बातों को हम नरेशन कहते हैं। अब आते हैं कि नरेशन कितने प्रकार का होता है। तो हम आपको बताएं कि नरेशन दो प्रकार का होता है। जो पहला होता है उसका नाम है डायरेक्ट नरेशन, और जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। बात आती है हिंदी की तो इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष कथन, ये है प्रत्यक्ष कथन, और दूसरा जो होता है इसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। अब जरा यहाँ ध्यान से आप लोगों को देखना है कि प्रत्यक्ष कथन यानी डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन की परिभाषा ध्यान से सुनिएगा कि वक्ता के कहे हुए बातों को जब हम ज्यों का त्यों वर्णन करते हैं तो इसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे कोई वक्ता है, कोई व्यक्ति है, और वो बात करते हुए कोई कहा है जो बात, उसको हम बिल्कुल ज्यों का त्यों कहते हैं, उसी के शब्दों में कहते हैं, उसी को हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। एक बार और परिभाषा, यानी जब वक्ता के कहे हुए बातों को हम ज्यों का त्यों कह देते हैं, इस प्रकार के वर्णन को हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब आता है दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। आप देख रहे हैं डायरेक्ट का सीधे उल्टा है, एंटोनिम है, विलोम है, तो निश्चित रूप से इसकी परिभाषा भी जो है थोड़ा सा उससे बदल करके होगी। तो यहाँ है कि जब वक्ता के कहे हुए बातों को हम ज्यों का त्यों न कह करके केवल उसका भाव प्रकट करते हैं तो इस प्रकार के वर्णन को हम इनडायरेक्ट नरेशन या अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अब बात आती है कि क्या डायरेक्ट नरेशन का भी कोई प्रकार है, इनडायरेक्ट नरेशन का भी कोई प्रकार है। तो नहीं, इसका कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। इस भाग को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। राम said to me, I am going to school. अब यहां ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा है कि राम said to me, I am going to school. अब यहां आपको दो चीजें दिखेंगी, एक तो जो है कामा के बाहर राम सेड टू मी दिखेगा और दूसरा आई एम गोइंग टू स्कूल दिखेगा। तो सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। एक यहां जरा देखिएगा, जो केवल सेड लिखा है, सेड, ये जो सेड लिखा है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको हम कहते हैं जो इनवर्टेड कॉमा के अंदर है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब आप लोग सोचते होंगे कि आखिर में ये रिपोर्टिंग वर्ब क्यों है और ये रिपोर्टेड स्पीच क्यों है। तो जरा सुनिए, रिपोर्ट मीन्स होता है सूचना देना या कहना। देखिए ये जो सेड है, अब एक चीज जरा ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो सेड है हमेशा यहाँ से का रूप होगा। किसका रूप होगा, तो आप कह सकते हैं से का रूप। क्यों, क्योंकि हमेशा ये जो वक्ता है हमेशा श्रोता से कुछ न कुछ कहेगा, इसलिए यहाँ
कोई दूसरा शब्द नहीं आ सकता। से का रूप होगा से हो सकता है, सेज हो सकता है, सेड हो सकता है, सेड हो सकता है, और कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आप जरा यहाँ ध्यान दीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे थे। देखिए रिपोर्ट यानी जो यह रिपोर्ट कर रहा है, सूचना दे रहा है, वह क्या है? ये वर्ब है। यानी कह सकते हैं कि यह वक्ता जो है या सब्जेक्ट जो है, ठीक है, जिस फाइनाइट वर्ब में यानी मुख्य क्रिया में कुछ भी कहना प्रारंभ करता है, उसे ही हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। मान लीजिए यहाँ सेड है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड होगा। अगर यहाँ सेज है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेज होगा। अगर यहाँ सेइंग है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेइंग होगा। अब आता है रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड सूचना दिया गया, चाहे कहा हुआ, और स्पीच माने वाक्य। आपको इसकी जब हम परिभाषा बताएंगे कि रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, तो वक्ता श्रोता से, ये है श्रोता और ये है वक्ता, यानी वक्ता श्रोता से जो कुछ भी कहता है वह इनवर्टेड कॉमा के अंदर कम से कम एक वाक्य होता है, उसे ही हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी सिंपल सी बात समझिए कि जो वक्ता होता है, बोलने वाला, जो बात करता है, वो जो कुछ भी कह दिया, वो सब कुछ क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में कोई दिक्कत आपको नहीं है, मुझे उम्मीद है नहीं होगी। एक बार और देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। यानी वक्ता जिस फाइनाइट वर्ब में कुछ भी कहना प्रारंभ करता है, उस फाइनाइट वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच यानी वक्ता श्रोता से जो कुछ भी कहता है वह इनवर्टेड कॉमा के अंदर कम से कम एक वाक्य होता है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब बात आती है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे बदलते हैं। जो मेन टॉपिक यानी जो हमें जानना है, जानना तो सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि जो मैं अभी तक बताया उसे नहीं जानना है, वो भी जानना है आपको, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ चेंज, जो कि परीक्षाओं में आता है, उसे आप लोग बिल्कुल केयरफुली पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। तो मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि किस प्रकार से डायरेक्ट नरेशन को हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं। सबसे पहले जरा जो उदाहरण मैं लिखा हूँ इसी को ध्यान से सोचिएगा, ये डायरेक्ट नरेशन है। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे, ठीक है, तो जरा आप सोचिए, यह कह रहा है कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैंने ऐसे बोला, तो क्या वो मैं हूँ कि राम है? जरा सोचिए, राम बोल रहा है तो अपने लिए बोल रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यह जो आई है वो किसके लिए स्टैंड हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है? राम के लिए। तो यह आई मैं नहीं हूँ, यानी जो सुन रहा है वो नहीं है, जो बोल रहा है वो है। तो अब इसको अगर हम चेंज करें तो ऐसे लिखेंगे, राम टोल्ड मी, और यहाँ हो जाएगा दैट, और ये आई कन्वर्ट हो जाएगा ही में। अच्छा जरा यहाँ देखिए, लिखा हुआ आई एम गोइंग, जरा ध्यान से सोचिएगा कि हम अब इनडायरेक्ट में जब चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब वक्ता के कहे हुए बात को ज्यों का त्यों ना कह रहे हैं, हम लोग उसका भाव प्रकट कर रहे हैं। तो जरा सोचिए, आई एम गोइंग, अगर 10 दिन पहले राम ने मुझसे कहा हो कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो क्या वो आज जा रहा है? नहीं, वो 10 दिन पहले जा रहा था।
था, इसका मतलब ये आई एम गोइंग ना होकर के क्या होगा, वॉज गोइंग, और वॉज गोइंग टू स्कूल। अब जरा दोनों का अर्थ देखिए, राम मुझसे कहा मैं विद्यालय जा रहा हूं, और ये है राम मुझसे कहा कि वह विद्यालय जा रहा था। दोनों में कितना अंतर आया, अंतर आया बिल्कुल, आप लोगों को दिखा होगा कि हम ज्यों का त्यों कहे तो कैसे कहे और भाव बदल के कहे तो कैसे कहे। अब जरा आते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तो कितने नियम होते हैं, मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के 5 नियम होते हैं, और इन 5 नियमों को मैं अपने टीचिंग स्टाइल के अनुसार 2 भागों में बांट दिया हूँ। एक ऐसा नियम होता है जो एक बार पढ़ लिए, यानी वो नियम कभी बदलेगा नहीं, वो नियम हर सेंटेंस में लागू होगा, चाहे वो असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंपरेटिव हो, ऑप्टेटिव हो या एक्सक्लेमेटरी हो, वो रूल नहीं बदलेंगे, वो पूरे 5 सेंटेंसेस में वो रूल चलते रहेंगे। लेकिन 2 रूल ऐसे होते हैं जिसे हम चेंजेबल रूल कहते हैं, वो अक्सर सेंटेंस बदलने पे क्या होता है, बदल जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ ये रूल कहाँ कहाँ है, जरा ध्यान से देखिए। पहला ये जो सेड टू है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाता है। और एक यहाँ ध्यान से देखिए, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके जब हम दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं तो वहाँ एक कनेक्टर लगता है। तो एक यहाँ जो है कनेक्टर जो है जोड़ने का नियम, ये चेंज नहीं होता है, ऐड होता है। उसके बाद जरा देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में जहाँ कहीं प्रोनाउन आएगा, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, उसको हम बदलते हैं ये नियम। तो यहाँ एक केवल पर्सन है आई। उसके बाद देखिए जो यह टेंस होता है, इस टेंस को भी हम बदलते हैं, जो कि 4th नियम है। और अंतिम नियम होता है कि अगर मान लीजिए कहीं किसी स्थान या समय का जिक्र किया गया हो बात करते हुए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूँ नाउ, नाउ का मतलब क्या होता है, अब, यानी यह समय को प्रदर्शित कर रहा है, तो ऐसे शब्दों को भी हम बदलते हैं। तो ये 5वां रूल होता है। जरा ध्यान से देखिए, पहला रूल रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने का नियम, दूसरा रूल यहाँ कनेक्टर ऐड करने का नियम, और ये दोनों नियम क्या होते हैं, चेंजेबल होते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये नियम चेंजेबल होते हैं, और जब आप बदलने को आएंगे तो यही ध्यान रखिएगा कि यहाँ दोनों जगह बदलेगा, बाकी इधर कहीं नहीं बदलेगा। तीसरा नियम पर्सन को बदलने का नियम, 4th नियम टेंस को बदलने का नियम, और 5वां नियम समय और स्थान को प्रदर्शित करने वाला नियम। इतने 5 नियम हैं। चलिए हम पहला नियम जो है आज जिक्र करने जा रहे हैं, टेंस बदलने का नियम। टेंस बदलने का नियम, कैसे हम टेंस को बदलते हैं। तो मैं आप लोगों को रूल्स फॉर चेंजिंग इन टेंस, अब सबसे पहले मैं पहले ही बता दिया हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है, यहाँ कनेक्टर ऐड होता है, और यहाँ पर्सन चेंज होता है, और यहाँ जा करके टेंस चेंज होता है। यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन चेंज होंगे, और रिपोर्टेड स्पीच में जो समय और स्थान वाले शब्द आते हैं वो चेंज होते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच में कितने चेंजेज हैं, 3 चेंजेज हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब में केवल 1 चेंज, और 1 तो यहाँ ऐड करना है, दोनों को जोड़ने के लिए कनेक्टर का हमको ऐड करना है। चलिए आते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, नियम हम एक ही साथ कहेंगे
क्योंकि आप लोग बिल्कुल बहुत छोटे बच्चे नहीं है, जरूर समझ जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होगा तो हम उसके टेंस को नहीं चेंज करेंगे। मतलब क्या, आपने सुना कि अगर यहाँ मान लीजिए हम लिख रहे हैं जैसे सेज हो जाए, से हो या सेज हो, इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए यहाँ विल के साथ हो, विल से, तो फ्यूचर हो गया। मान लीजिए इज के साथ सेइंग हो तो भी ये क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होगा तो इधर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। क्यों? देखिए रूल में दो चीजें होती हैं। एक तो हमारे विद्वानों ने हमें पढ़ने के लिए डायरेक्ट रूल बना दिया कि ऐसा है, क्योंकि रूल बने पढ़ने के लिए, और उसके बाद कुछ रूल ऐसे बने जो उन रूल पे क्या थे, आधारित थे। ऐसा क्यों, तो उसका जवाब मिलता है कि ऐसा क्यों। तो यहाँ यही आप लोगों को देखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे, यानी चाहे वो किसी भी टेंस में हो। यानी 12 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर और उसके इंडेफिनिट कंटिन्यूअस वगैरह, तो वो नहीं बदलेंगे। बदलेगा कब, अब ध्यान से, ये दूसरा नियम है कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, कहने का मतलब है या तो सेड होगा, नहीं तो वाज सेइंग, वर सेइंग होगा, या हैड सेड होगा, या हैड बीन सेइंग होगा, तो निश्चित रूप से क्या होगा, इधर का टेंस हम बदल देंगे। अब जरा सोचिए, दो लोग बात कर रहे हैं और अगर बात बीत गई है, मतलब ये सेड का मतलब ये, तो बात बीत गई है, तो अगर जो चीज प्रेजेंट में होता है वही चीज किस में हो जाता है, पास्ट में हो जाता है, और आप लोग रटते हैं और भूल जाते हैं। जितने भी प्रेजेंट टेंस के फॉर्म होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो क्या होते हैं, सब उसी के पास्ट में बदल जाते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। अब आप कहेंगे सभी प्रेजेंट तो पास्ट में चले गए, तो क्या पास्ट भी बदलता है? हाँ, पास्ट भी बदलता है। यानी पास्ट इंडेफिनिट, ध्यान दीजिएगा ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट यानी तीसरे नंबर पे चला जाता है, और पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो चौथे नंबर पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। अब कहेंगे तो फ्यूचर का क्या होता है, फ्यूचर भी बदलता है। आप जानते हैं कि फ्यूचर का कोई भी फॉर्म होगा उसमें विल होगा और शैल होगा, तो विल का वुड कर दीजिए और शैल का क्या कर दीजिए, शुड कर दीजिए, टेंस अपने आप ही बदल जाता है। और जो यूजेस हैं, जैसे मॉडल्स हैं, कैन को कूड, मे को माइट, शुड, मस्ट और ऑट टू को नहीं बदलते हैं। ये ध्यान रखिएगा क्यों नहीं बदलते हैं, अभी आगे। तो आइए थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मैं बाकी परिवर्तन मैं खुद कर दूंगा, बाकी परिवर्तन मैं स्वयं करूंगा, तो ये ना सोचिएगा कि यहाँ आई है तो ही कैसे हो गया, यहाँ सेड है तो टोल्ड कैसे हो गया। मैं अभी वो रूल आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक एक रूल ही तो पढ़ाया जाएगा, तो मैं केवल टेंस चेंज करना पढ़ा रहा हूँ। तो जहाँ टेंस चेंज करना होगा वहाँ मैं टेंस चेंज करके बताऊँगा, और केवल आप उसी को फोकस करिएगा। बाकी जो रूल हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो चलिए आते हैं, देखते हैं इसको। जैसा कि आप सुने होंगे कि अगर इधर असर्टिव सेंटेंस होता है, थोड़ा रूल सुन भी लीजिए।
तो मैं अभी अभी कहा उसको एक बार और सुन लीजिए कि जैसे अगर इधर असर्टिव सेंटेंस होता है तो इस सेट टू को हम किस में बदलते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं और कनेक्टर दैट लगाते हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो इतना कम से कम किया जाए। देखिए ये हो गया राम, उसके बाद हो गया टोल्ड और उसके बाद हो गया मी, और यहाँ कनेक्टर क्या लगा देंगे, दैट। अब देखिए आई जो चेंज होगा राम के अनुसार चेंज होकर के ये ही में बदल जाएगा। अब आप यहाँ दिमाग मत लगाइएगा ज्यादा कि ही कैसे हो गया, क्योंकि मैं ये रूल अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, यानी पर्सन चेंज करना अगले वीडियो में आएगा। अब यहाँ जरा देखिए आई एम गोइंग का मतलब, आई एम का मतलब होता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, और मेन वर्ब में क्या होता है, आई एन जी होता है। तो अभी मैंने कहा था कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच भी किसमें हो जाएगा, पास्ट में। लेकिन अगर ये इंडिफिनिट है तो पास्ट का इंडिफिनिट होगा, अगर ये कंटिन्यूअस है तो पास्ट का कंटिन्यूअस। जैसे ये प्रेजेंट क्या है, कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है, वाज नहीं तो वर्ब होती है, यानी ही के साथ हम क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे। और आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आई एन जी लगता है और पास्ट कंटिन्यूअस में भी आई एन जी लगता है, इसका मतलब ये हो गया गोइंग और उसके बाद टू स्कूल। अब टोटल सेंटेंस हो गया राम टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल, इसका अर्थ हुआ राम ने मुझसे कहा मैं स्कूल जा रहा हूं, इसका मतलब हो गया राम मुझसे कहा कि वह स्कूल जा रहा था। दोनों में कितना डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट उदाहरण की तरफ आते हैं। माई फादर सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब आप जरा ध्यान से देखिए सेड टू है, इसका मतलब ये पास्ट में है, क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसका मतलब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करेंगे और इसमें क्या कर देंगे, अगर प्रेजेंट होगा तो पास्ट कर देंगे। जैसे जरा सोचिए हैव का मतलब क्या होता है, हैव किस टेंस की सहायक क्रिया है, प्रेजेंट परफेक्ट की, और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगती है, तो थर्ड फॉर्म लगती है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट को किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। यानी यूं कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है हैड, यानी यहाँ हैव की जगह जो है हैड लिख देंगे केवल। और अभी मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा इसका, जो बच्चे नहीं भी समझेंगे वो भी इसको बना ले जाएंगे, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि आप बिना समझे बना ले, मैं ट्रिक के साथ नहीं, ट्रिकी भी है मेरे पास और नॉन ट्रिकी भी है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि दोनों आपको मैं पढ़ा दूं, लेकिन समझ करके आप चेंज करें यह अच्छी बात रहेगी। चलिए तो इसको बदलेंगे, लिखेंगे माई फादर टोल्ड मी और ये हो गया दैट, आई को बदलेंगे माई फादर के अनुसार तो ये हो गया ही और ये हो जाएगा है और ये कंप्लीटेड और यहां हो जाएगा हिज वर्ड, जैसे माई भी चेंज हो जाएगा हिज में। तो ये नियम मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां आपने क्या देखा हैव कंप्लीटेड है तो किस में बदल गया, हैड कंप्लीटेड में बदल गया। चलिए नेक्स्ट उदाहरण की तरफ आते हैं। जैसे श्याम सेड टू मी ही प्लेज क्रिकेट वेल। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, हमेशा पहले यही देखिएगा आप लोग कि ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है, तो इधर जो कुछ भी होगा उसका हम पास्ट करेंगे। जरा सोचते हैं कि ये किस में है, यहाँ लिखा हुआ है प्लेज। एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि अगर कभी भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद
कोई सहायक क्रिया नहीं होती है तो वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है नहीं तो पास्ट इंडेफिनिट। अगर ये मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक वचन रहेगा तो एस आई एस जुड़ा रहेगा, और अगर ये प्लूरल होगा बहुवचन होगा तो इसमें एस आई एस नहीं। यानी सीधे समझिए, अगर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है बिना हेल्पिंग वर्ब के तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और अगर वही सेकंड फॉर्म हो जाएगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। चलिए अब आके देखते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, श्याम टोल्ड मी दैट, ही चेंज नहीं होगा, प्लेस का हो जाएगा प्ले। अब देखिए मुख्य क्रिया की जो ये फर्स्ट फॉर्म है उसको हमने सेकेंड में बदला, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदल गया, पास्ट इंडेफिनिट में बदल गया, और क्रिकेट बेल को उतार देंगे, क्रिकेट बेल। चलिए कुछ एक दो और उदाहरण देखते हैं। तो और भी उदाहरण है, जरा देखें। माई ब्रदर सेड टू मी, राम बाट अ कार। सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, यहीं जाएंगे, हमेशा इसको देखेंगे कि कहीं ये प्रेजेंट या फ्यूचर में तो नहीं है। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो इधर का टेंस नहीं बदलेंगे, और अगर ये पास्ट में होगा तो इसका टेंस क्या होगा, बदल जाएगा। सभी प्रेजेंट टेंस के जो फॉर्म होते हैं उसी फॉर्म के पास्ट में बदल जाते हैं। बस इतना ही समझना है कि जितने भी प्रेजेंट टेंस के फॉर्म है, चारों फॉर्म है, वो फॉर्म नहीं चेंज होगा, उसी फॉर्म के पास्ट में बदल जाते हैं। अब इसमें हो जाएगा क्या, माय ब्रदर टोल्ड मी दैट राम। अब जरा यहां ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने आपको समझाया कि यहाँ जब कोई सहायक क्रिया नहीं होगी और यहाँ मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म होगा, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होगी, हैड होगी, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे हैड, और हैड के बाद मुख्य क्रिया की क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी। तो चूंकि ये सेकेंड फॉर्म भी है और यही फॉर्म थर्ड भी है, इसलिए हम लिखेंगे बाट, और उसके बाद हो जाएगा अ कार और फुल स्टॉप। अब अगला उदाहरण जरा देखते हैं। द टीचर सेड टू अस, आई शैल टीच यू टुमारो। अब सबसे बड़ी बात है, यहाँ क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसका मतलब इधर का टेंस चेंज होगा। अब चेंज करते हैं तो यहां देखिए इनडायरेक्ट में, आप जरा सोचें इनडायरेक्ट में, यहां इनडायरेक्ट में हो गया द टीचर टोल्ड अस, और ये हो जाएगा दैट। अब जब हम आई को चेंज करेंगे तो यहाँ ही या शी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि टीचर दोनों होते हैं, ही भी होते हैं शी भी होते हैं। अब जरा सोचिए, यहाँ शेयर को हम करेंगे शुड में, लेकिन जरा सोचिए आप कि ही के साथ क्या शेयर लगता है, नहीं, ही के साथ विल लगता है, इसलिए यहाँ हम वुड करेंगे। यही एक चीज ध्यान देना होता है, ये नहीं आंख बंद करके शैल दिखा तो शुड कर दिए, विल दिखा तो वुड कर दिए, नहीं, देखा जाता है कि जो ये चेंज हो रहा है इसके अनुसार विल लगेगा तो वुड करेंगे और शैल लगेगा तो शुड करेंगे। तो हो गया शुड, और उसके बाद टीज, ठीक है। अब यहां जो हो गया, यू को अस में बदल देंगे, टीच अस, और उसके बाद टुमारो, टुमारो जैसे क्या है, यह दिखा रहा है समय को, ऐसा शब्द है ये, समय को दिखा रहा है, तो इसको लिखेंगे टुमारो को द नेक्स्ट डे। आप पढ़े भी होंगे कभी कि टुमारो को किस में बदलते हैं, नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे में बदलते हैं।
अब बस 2 मिनट, 2 मिनट का मतलब क्या, मैं चेंज करने का ट्रिक बताने जा रहा हूं कि अगर कोई भी ना समझ पाए कि इधर का टेंस कौन सा है, तो उसको केवल ट्रिक से मैं बता दे रहा हूं, वो उसके हिसाब से चेंज कर सकता है। चलिए आते हैं ट्रिक पे। तो आते हैं, देखिए मैंने ट्रिक भी जो है वह भी जो अभी आप समझे हैं वही चीज है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो समझना ही नहीं चाहते हैं, उनके लिए ये ट्रिक है। अगर कभी भी डज या डू आपको दिख जाए, क्या दिख जाए, डज या डू दिख जाए, तो उसको हम किसमें चेंज कर देंगे, डिड में चेंज कर देंगे। और अगर कभी डिड मिल जाए तो उसको हम क्या कर देंगे, हैड में चेंज कर देंगे। लेकिन जब हैड में चेंज करेंगे तो मुख्य क्रिया की क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह मुख्य क्रिया की अगर फर्स्ट फॉर्म मिलती है बिना सहायक क्रिया के, तो हम इसमें बदल देंगे, सेकेंड फॉर्म में। अगर सेकेंड फॉर्म मिलता है तो हैड लगा करके उसको क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। इसी तरह अगर इज एम आर मिला तो उसको किस में बदल देंगे, वाज वर में बदल देंगे। अगर वाज वर मिला तो उसको हैड बीन में बदल देंगे। इसी तरह अगर हैज या हैव मिला तो उसको किस में बदल देंगे, हैड में बदल देंगे। और ये विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कूड और मे का माइट कर देते हैं। जरा ट्रिक को थोड़ा सा सोचा जाए, आप एक बात बताओ, अगर डू या डज मिलेगा तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट, और प्रेजेंट इंडिफिनिट का या तो निगेटिव होगा नहीं तो इंट्रोगेटिव होगा। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को किस में बदलेंगे, पास्ट इंडिफिनिट में, और पास्ट इंडिफिनिट की सहायक क्रिया होती है डिड। अब सोचो अगर मान लो किसी में डिड आया है तो डिड का मतलब क्या, पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट को किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है, हैड, और हैड प्लस v3। वही चीज है लेकिन इसको हम ट्रिक कह रहे हैं। अगर आप समझ गए तो इसकी जरूरत नहीं है, और नहीं समझेंगे तो इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने लगेगी आपको। चलिए एक चीज और देखते हैं। अगर मान लीजिए इज एम आर है, अगर मान लीजिए इज एम आर है तो इसका मतलब ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है, वाज वर होती है। तो वही तो मैंने इज एम आर को कह दिया कि वाज वर में बदल दीजिए। और अगर मान लीजिए वाज वर मिल रहा है, वाज वर मिल रहा है आपको, तो ये होगा पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस को किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसकी सहायक क्रिया होती है हैड बीन। तो वही तो ट्रिक बता करके लिखा गया है जो पहले था। अब यहाँ जरा देखिए, हैज या हैव, अगर हैज या हैव मिल रहा है तो इसका मतलब होगा प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट को किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है, हैड होती है। इसका मतलब जब ये आपको ये दिखे, डू डज दिखा, डिड किए, डिड दिखा, हैड प्लस v3 किए, V1 दिखा, V2 कर दिए, अगर V2 दिखा तो हैड प्लस V3 कर दिए, इसका मतलब क्या, हम टेंस ही चेंज कर रहे हैं और टेंस की सहायक क्रिया को ध्यान दे रहे हैं, जिसे हम ट्रिक कह रहे हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग निश्चित रूप से समझने का प्रयास करिए। ट्रिकी चीजें जो होती है, ये मैथ का कॉम्पिटिशन नहीं है कि ट्रिक जानना बहुत जरूरी है, ये इंग्लिश है, जिसे समझेंगे तो बेहतर होगा। और मैं आप लोगों को एक बार और सायंकाल में गुड इवनिंग, और आप लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग मेरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना अगला वीडियो जो कि पर्सन चेंजिंग, जिसमें बहुत बच्चे फंस जाते हैं, बिल्कुल यूं चुटकी में जादू की तरह आपको पर्सन चेंज पढ़ाऊँगा, और आप निश्चित रूप से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।